हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने जीमेल अकाउंट को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने जीमेल अकाउंट में कैसे अपना रिकवरी नंबर या रिकवरी जीमेल एड्रेस जो रहता है वो आप अपने जीमेल अकाउंट में सेव कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका अगर कभी भी जीमेल पासवर्ड या जो गूगल का जो आईडी रहता है उसका अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसे फॉरगेट कर सकते हैं उस नंबर के थ्रू या फिर उस जीमेल के थ्रू जो आपने उसमें सेट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले आपकी सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे गूगल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको गूगल के ऑप्शन पे जाना है। गूगल के ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो भी आपकी जीमेल आईडी है उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में मुझे मैनेज योर गूगल अकाउंट पर जाना है। अभी ये लॉगिन हो गया है, तो अभी मुझे यहाँ पर जैसे कि ये तो पर्सनल इन्फो वगैरह रहता है, आपको सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद में आपको नीचे जाना है थोड़ा। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रिकवरी फ़ोन और रिकवरी ईमेल, तो आप रिकवरी फ़ोन पर जाइए पहले। रिकवरी फ़ोन पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर उसका पासवर्ड देना होगा, जो भी आपने यहाँ पर पासवर्ड दिया है, आपका जो गूगल अकाउंट का पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा, मतलब डालना होगा। उसके बाद में मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड रिकवरी फ़ोन, तो मैं ऐड रिकवरी फ़ोन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेरा इंटर नंबर दिखाई दे रहा है कि मैं इंटर करता हूँ मेरा नंबर जो भी है, तो मैं अभी डाल देता हूँ। नेक्स्ट करूँगा, फिर इसके बाद में मैंने अब इस पर एक कोड आएगा, तो वो कोड मैं यहाँ पर नंबर डालूँगा उस कोड का, जैसे कि मैं वेरीफाई कर दूंगा इसे। तो ये देखिए मेरा जो रिकवरी फोन का मतलब जो मेरा नंबर है वो इसमें सेट हो चुका है। अब मैं बैक आऊंगा। बैक आने के बाद में मैं रिकवरी ईमेल पर जाऊंगा। रिकवरी ईमेल के पे जाने के बाद में मैं वापस से यहाँ पर पासवर्ड दूंगा, ये वापस से पासवर्ड पूछेगा, तो फिर नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर एड रिकवरी ईमेल आ रहा है, तो आप यहाँ पर आपका जो भी दूसरा जीमेल आईडी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है और डन कर दूंगा मैं, तो ये आपका जो रिकवरी ईमेल है वो भी यहाँ पर सेट हो जाएगा। इससे आपका जो गूगल अकाउंट है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। अगर आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके उस आईडी के पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपका जो जीमेल आईडी है वो लॉस्ट हो जाएगा, मतलब कि आप उसे लॉगिन नहीं कर पाएंगे उसके बाद में। तो आप ये सिक्योरिटी को भी लॉगिन करके रखिए। बाकी आपकी जो टू स्टेप वेरिफिकेशन की जो सेटिंग रहती है उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल रहा होगा या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी जाकर उसे कैसे ऑन करना है तो आप उसे ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।